अगला टॉपिक का हेडिंग डालो, कार्बनायंस एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। कार्बनायंस एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान रखना कि इसी टॉपिक में लगभग सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आ जाएंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे कार्बनायन का जनरेशन से, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी प्रकार के रिएक्शंस हैं, SnAe, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर का बनना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। कार्बन आयंस आर बेसिकली R CH2 ... कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दे विल बी कॉल्ड एज कार्बन आयंस। तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दे आर SP3 hybridized एंड द शेप इज पिरामिडल शेप। कंप्लीट ऑक्टेट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, दे आर एट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दे एक्ट एज अ लिविस बेस, दे आर स्ट्रांग बेस एंड स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अगर मैं H प्लस दे दूंगा तो अल्केन बन जाएगा, और अल्केन का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जीरो। अल्केन को तो एसिड मानते ही नहीं, वीकेस्ट एसिड अल्केन्स। तो अगर एसिड वीकेस्ट बन रहा है तो ये बेस कैसा होगा? बहुत ही स्ट्रांग। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बहुत कम है। अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? CH3- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH2-, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH-, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हम लोग लिखते हैं CH3- ग्रेटर देन NH2- ग्रेटर देन OH- ग्रेटर देन F-। सो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज वन ऑफ द स्ट्रांग बेस एंड वन ऑफ द स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। इसलिए कार्बन आयन एसिड बेस रिएक्शन भी बड़ा स्पॉन्टेनियसली शो करता है, और इसलिए कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बड़ा स्पॉन्टेनियसली शो करता है। खैर, इफ द नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड देन द हाइब्रिडाइजेशन इज then the hybridization is sp2, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्डेड CH2-, तो नेगेटिव सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। रेजोनेंस के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तो नो रेजोनेंस इट इज ऑलवेज sp3, नेगेटिव चार्ज इज पार्टिसिपेटिंग इन अ रेजोनेंस इट विल बी ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। दे आर अ वेरी स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, कंप्लीट ऑक्टेट सिस्टम होता है, लिविस बेस होता है, पिरामिडल शेप होता है, ऑल ओपन चेन। कार्बन आयन अंडरगोज फ्लिपिंग, ऑल ओपन चेन कार्बन आयन अंडरगोज फ्लिपिंग प्रोसेस। याद है अमीन का फ्लिपिंग, अमीन इन्वर्जन? बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पेयर के साथ एक आर है, एक मान ले डी है, एक मान ले एच है, फ्लिपिंग होगा, लोन पेयर नीचे आएगा, तीनों ऊपर जाएगा, आर डी एच। तो फ्लिपिंग के कारण ये भी 50% मौजूद रहेगा, ये भी 50% मौजूद रहेगा। समझ में आ रहा? अगर कार्बन आयन बन गया किसी रिएक्शन में और ओपन चेन वाला कार्बन आयन बना है तो फ्लिपिंग होगा और दोनों 50-50% में दो फॉर्म रहेंगे। बाय चांस इसको मिल गया कोई इलेक्ट्रोफाइल, 50% ये भी कंबाइन करेगा, 50% ये भी कंबाइन करेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन बॉन्डेड टू ई आर डी ई।
काइरल सेंटर 50%, और इसको भी मिला तो ये बन जाएगा कार्बन बॉन्डेड टू ई आर डी एच एच, ये भी काइरल सेंटर, ये भी 50%। अब इस फॉर्म को घुमा के स्ट्रेट कर दो, ई को ऊपर कर दो, आर इस तरफ आ जाएगा, डी और एच इस तरफ आ जाएगा, बीच में मिरर लगाओ, देयर विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, रेसिमिक मिक्सचर। वी मे गेट रेसिमिक मिक्सचर, वी मे ऑल्सो गेट डायस्टीरियोमर, क्योंकि अगर इस आर में पहले से एक और काइरल सेंटर मौजूद होता तो डायस्टीरियोमर मिलता, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक काइरल सेंटर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग को रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। कार्बोनाइल अंडरगोस फ्लिपिंग प्रोसेस ड्यू टू विच वी मे गेट रेसिमिक मिक्सचर। दे आर डायमैग्नेटिक, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। इतना प्रॉपर्टी कार्बन के बारे में याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बनायन आर ऑर्गेनो मेटालिक्स, ध्यान देना, कार्बोकटायन मात्र एक ही तरीके से इधर से उधर रिअरेंज कर सकता है, दैट इज बाय रेजोनेंस। हम लोग कार्बोकटायन में तरह तरह का शिफ्ट पड़े थे, तरह तरह का माइग्रेशन, तरह तरह का रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कार्बोनाइन में कुछ भी नहीं होता ये सब। कार्बोनाइन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जा रहा है तो इट इज विल बी ओनली बाय रेजोनेंस, अदर देन दैट देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन कार्बोनाइन। कार्बोनाइन कभी रीअरेंज नहीं करता, और कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी आप लोग को अच्छे से पता है कि कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन पूरे ऑर्गेनिक में कौन नजर आता है? एरोमेटिक कार्बन है, समझ में आ रहा है? उसके बाद कौन होगा स्टेबल? बेंजीन पे CH2- होगा स्टेबल। उसके बाद कौन होगा स्टेबल? अलाइलिक होगा स्टेबल। उसके बाद कौन होगा स्टेबल? एक डिग्री, फिर दो डिग्री, फिर तीन डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? एंटी एरोमेटिक कार्बन है। यह है जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, पहला एरोमेटिक, आखिरी वाला एंटी एरोमेटिक, और बीच में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, 1 degree > 2 degree > 3 degree। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कार्बन आयन का होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? व्हेन कार्बन इज directly bonded to any metal, then the compound is called organometallic compound. जब कार्बन किसी मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। कार्बन का मेटल के साथ जुड़ा होना जरूरी है, कोई दूसरे एटम का नहीं। नाइट्रोजन कोई मेटल के साथ जुड़ा है तो जुड़ा रहने दो, जब कार्बन किसी मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हुए तो वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इन जनरल ऐसे समझ सकते हो, कार्बन इज बॉन्डेड टू मेटल, दैट कंपाउंड विल डेफिनेटली हैव अ कार्बन बॉन्डेड टू मेटल। अब ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, ये बॉन्ड आयनिक प्लस कोवलेंट भी हो सकता है, ये बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड वी विल हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। अगर कोवलेंट है कोई चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, हाँ सीधे बोलेंगे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। आयनिक है
तो प्योर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इधर प्लस इधर, या बीच का बॉन्ड हटा दे, और एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर भी है तो ठीक है, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो माइनस वन और जीरो के बीच बीच में कुछ भी हो सकता, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि कोवेलेंट से आयनिक कैरेक्टर की ओर बॉन्ड जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कार्बन पे, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, देयरफॉर रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। विच काइंड ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक विल बी हाईली रिएक्टिव? आयनिक, देन आयनिक प्लस कोवेलेंट, लीस्ट रिएक्टिव कोवेलेंट, सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी आयनिक ग्रेटर देन आयनिक प्लस कोवेलेंट ग्रेटर देन कोवेलेंट। जैसे जैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल आर एल आई, पी एच एल आई, आर एन ए, पी एच एन ए, आर एम जी एक्स, आर टू जेड एन, आर टू सी डी, आर टू सी यू एल आई एटसेट्रा, कैसे पढ़ेंगे? अल्काइल लिथियम, अल्काइल सोडियम, फिनाइल लिथियम, फिनाइल सोडियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अगर सीएल है तो बोलेंगे अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, पीएचएमजीएक्स है तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, डाई अल्काइल जिंक, डाई अल्काइल कैडमियम, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, ये सब बहुत ही कॉमन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। ऑब्वियसली आपको बात पता है कि लिथियम और सोडियम के कंपाउंड आयनिक इन नेचर होते हैं, अगर आयनिक इन नेचर होगा तो ये सारा का सारा चारों आयनिक, चारों आयनिक, समझ आ रहा है? आयनिक का मतलब क्या? Na प्लस और R माइनस, इसके कार्बन पे पूरा नेगेटिव चार्ज है बेटा, सोर्स ऑफ कार्बन आयन ऑर्गेनोमेटेलिक। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर बेसिकली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, आर और एम जी के बीच का बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक तरफ ज्यादा रहता है, कोवेलेंट तरफ कम रहता है, लेकिन फिर भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 100% आयनिक नहीं होता, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाई पोलर नेचर, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। खैर, आर टू सी यू एल आई लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट इज कॉल्ड गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट, और गिलमैन्स रिएजेंट में आर और कॉपर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है। ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑब्वियसली आयनिक ग्रेटर देन आयनिक प्लस कोवेलेंट ग्रेटर देन कोवेलेंट। आयनिक में कौन कौन है? आर एन ए, आर एल आई, लेकिन लिथियम बहुत छोटा साइज होने के कारण, बहुत छोटा साइज होने के कारण कार्बन का नेगेटिव चार्ज को पोलराइज कर देता,
पोलराइज करने के कारण लिथियम के कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। सब पढ़े हो ना फजान्स रूल। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में आरएनए सबसे ज्यादा है। आरएनए बोल या पीएचएनए बोल, तब है आरएलआई, उसके बाद है आरएमजीएक्स, उसके बाद है आर2जेडएन, उसके बाद है आर2सीडी और उसके बाद है आर2सीयूएलआई। ये ऑर्डर याद रखिएगा। ग्रिगनार्ड और उससे आगे सबको स्ट्रांग मानते हैं। स्ट्रांग माने स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद जितने भी हैं वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब क्या? अगर कोई बेस आ जाएगा ना तो एसिड बेस रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा। तो बेसिकली ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रांग बेस। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या है? आर माइनस है और एमजी प्लस है, ऐसे मान के चलेंगे। होता तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या मानेंगे? आर पे माइनस और एमजी पे प्लस। प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएजेंट हम लिखे हैं ये सब कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जैसे आरएनए प्रिपेयर करना है, अल्काइल हैलाइड लिए, उसको ट्रीट करेंगे हम लोग सोडियम और ईथर के साथ। अल्काइल हैलाइड टेकन है ना सोडियम इथर, सोडियम इथर, मेटल इन इथर, अल्काइल हैलाइड। मेटल क्या करेगा? मेटल तुरंत दो इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि इथर इसको क्या करेगा? सॉल्वेट कर देगा। इथर इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एप्रोटिक किसको सॉल्वेट करता है? कटायन को। ये स्टेबल हो रहा है इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, एक्स बार आर नेगेटिव प्लस एक्स नेगेटिव, क्लियर? देन आर नेगेटिव प्लस एनए प्लस विल फॉर्म आर एनए, 1:1 में। और साथ में एक और एनए प्लस क्या करेगा सर? तो एक और एनए प्लस एक्स माइनस के साथ बना लेगा एनए एक्स। तो बोलो सर वुर्ज रिएक्शन में भी तो सोडियम इथर लिए थे, वहां तो आर बॉन्ड टू आर बना दिए थे। तो ध्यान रखना अगर इसका और इसका हम लोग 1:1 अगर रेशियो लें, 1:1 रिएक्शन यहीं रुक जाए। अगर ये 2:1 हुआ मतलब कि यहां एक और अगर अल्काइल हैलाइड आ गया तब ये मारता अटैक और ये बाहर और आर बॉन्ड टू आर बन जाए। समझ में आ रहा? सिमिलरली व्हेन आर एक्स इज ट्रीटेड विथ लिथियम इथर, सो लिथियम विल फॉर्म एल आई प्लस प्लस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दो लिथियम, दो इलेक्ट्रॉन का अटैक, आर माइनस प्लस एक्स माइनस। ये समझ में आ रहा है आर माइनस कैसे बन रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का अटैक रेडिकल बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन का अटैक कार्बन आयन बनाएगा, और यही आर माइनस जो है एल आई प्लस के साथ स्टेबल रहता है, आर एल आई वन, आर एल आई वन। सिमिलरली अगर हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो व्हेन द अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ एमजी इथर, when the alkyl halide is taken in mg ether we get Grignard reagent, remember 1:1 mg dega mg2 plus plus of 2 electron
आर एक्स पे दो इलेक्ट्रॉन का अटैक, ये मिला आर माइनस प्लस एम, आर माइनस प्लस एक्स माइनस Mg2 प्लस जो बना है वो x माइनस के साथ कंबाइन करके बन जाएगा MgX पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे एक साथ स्टेबल होंगे, ये बन जाएगा RmgX। अब बात है कि इथर क्यों चुने हम लोग। इथर लेने का दो कारण है, पहला कारण Mg आसानी से दो इलेक्ट्रॉन दे दे और Mg2+ बन जाए, क्योंकि Mg2+ स्टेबल हो जाएगा ना सॉल्वेशन से, इथर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो Mg2+ को स्टेबल करेगा सॉल्वेशन से। और दूसरा कारण है कि RmgX जो है इथर सॉल्वेंट में स्टेबल रहता है, स्टेबल क्योंकि इथर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें नो एसिडिक एच, अगर इथर में एसिडिक एच होता ना तो तुरंत ये आर माइनस एच प्लस लेके आर एच बना देता। इथर को बाहर मॉइस्चर में लाओगे ना ओपन एटमॉस्फियर में तो तुरंत अल्केन बन जाता है, मॉइस्चर का वाटर से वो एक एच प्लस गेन करके आर एच में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अगर ये सी एच थ्री एम जी एक्स है ना, सी एच थ्री एम जी एक्स ओपन एटमॉस्फियर में रखो मीथेन बन के पूरा उड़ जाए, समझ में आ रहा बात, मीथेन बन के पूरा उड़ जाएगा। तो इथर में इसलिए रखा जाता है कि पहला कारण इथर में कोई एसिडिक एच नहीं है कि एसिड बेस रिएक्शन, कार्बन से जुड़ा एच इज नॉट एसिडिक, कार्बन से जुड़ा एच इज नॉट एसिडिक। और इथर में किधर से भी देखो तो आपको ग्रुप मिलेगा ओ आर, तो ऐसा भी नहीं है कि R- आगे कार्बन पे अटैक करके OR को बाहर निकाल दे, क्योंकि OR, OH, they are poor living group and poor living group does not come out by the external attack of a nucleophile। पढ़े हो कि नहीं? तीन कैटेगरी के लिविंग ग्रुप होते, वेरी गुड, मॉडरेट एंड पुअर। वेरी गुड वाले किसी भी तरह के सब्सट्रेट से निकल जाएंगे, मॉडरेट वाला तीन डिग्री से तो निकल जाएगा लेकिन एक डिग्री दो डिग्री के लिए एक्सटर्नल अटैक चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप कैसा भी डिग्री हो, कुछ भी हो, किसी के एक्सटर्नल अटैक से नहीं निकलता, तीन ही कॉमन होता है ओ आर, ओ एच और एन एच टू, ओ आर, ओ एच और एन एच टू, याद है कार्बोकैटायन टॉपिक। तो ना तो ये अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखा सकता इसके ऊपर, ना ही एसिड बेस रिएक्शन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इथर में बड़ा खुश रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे लिखो, फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द रेशियो शुड बी 1:1 और मैग्नीशियम शुड बी इन एक्सेस। For preparing Grignard reagent, the ratio should be 1:1. For preparing Grignard reagent, the ratio should be 1:1. Or magnesium should be in excess. Grignard reagent बनाने के लिए ratio ज्यादा से ज्यादा 1:1 होना चाहिए magnesium और alkyl halide के बीच में, या आप magnesium को excess में लो, क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड बनने के बाद अल्काइल हैलाइड बच गया तो ग्रिग्नार्ड अल्काइल हैलाइड पे अटैक मार देगा। जस्ट सपोज, सपोज वी आर टेकिंग आर एक्स प्लस एम जी इन इथर एंड द रेशियो इज सेट 2:1, तो इसका एक मोल मिला के एक मोल बन गया, लेकिन एक मोल अल्काइल हैलाइड बच गया, ये अटैक मार के एक्स को बाहर निकाल देगा, आर बॉन्डेड टू आर बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बना ही नहीं पाओगे। ग्रिग्नार्ड बनाना मतलब कि रिएक्शन को आर एम जी एक्स तक रोक देना। और वही अगर मैग्नीशियम एक्सेस में हो तो सारा अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड में जाएगा, अल्काइल हैलाइड बचेगा ही नहीं ताकि वो अटैक कर पाए। क्लियर है?
क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ द सबस्ट्रेट, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ द सबस्ट्रेट, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ द सबस्ट्रेट। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ द सबस्ट्रेट। It is impossible to prepare a Grignard reagent if the substrate has any acidic group from the very beginning. It is impossible to prepare a Grignard reagent if the substrate has any acidic group from the very beginning. जैसे देख, OH, CH2, 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 Cl, एक अल्काइल हैलाइड जिसमें OH पहले से लगा हुआ है, इसको हम लोग ट्रीट कर दिए Mg ईथर के साथ, कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता, नो डाउट दो इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, कार्बन निकलेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वही कार्बन का नेगेटिव किसके साथ, MgCl के साथ, नो डाउट सबसे पहले ये बनेगा। ये बन तो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूल में एक स्ट्रांग बेस और एक एसिडिक हाइड्रोजन, एसिड बेस रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। अपने ही मॉलिक्यूल का OH का क्या कर लेगा, ये H प्लस गेन करके O पे माइनस आ गया, अब MgCl इसके पास पहुंच चुका है और इधर बन जाएगा CH3CH2CH3। ये ग्रिग्नार्ड थोड़ी है, ये तो अल्कोहल का सॉल्ट है। कार्बन पे नेगेटिव और एमजी पे पॉजिटिव होता तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड बनता है लेकिन ग्रिग्नार्ड अपने आप में स्ट्रांग बेस है, अपने ही मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाने के कारण तुरंत एच प्लस गेन कर लेगा और ग्रिग्नार्ड बनेगा ही। तो इन जनरल याद रखना कि अगर एक तरफ अल्काइल हैलाइड है और एक तरफ कोई ग्रुप जेड है, जेड इज अ एसिडिक ग्रुप लाइक OH, SH, COOH, CONH2, NH2, कौन कौन सा हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हो, एसिडिक हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़ा रहता, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन, फॉस्फोरस से जुड़ा हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर, SO3H एटसेट्रा। तो अगर इसको आप ट्रीट करोगे एमजी थर के साथ, देन नो GR फॉर्मेशन। अगला पॉइंट, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मोनोग्रिग्नार्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मोनोग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मोनोग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मोनोग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाई यूजिंग एनी डाईहैलाइड और ट्राईहैलाइड, By using any dihalide or trihalide, it is impossible to form a monogrignard reagent by using a dihalide or trihalide. ऐसे समझो, CH2Cl, CH2Cl एक dihalide है, dihalide लिए
और हम चाह रहे हैं कि यार एक जगह ग्रिगनार्ड बन जाता और एक जगह जैसे था वैसे ही रह जाता. नॉट पॉसिबल. डाई हेलाइड या ट्राई हेलाइड का इस्तेमाल आप कर रहे हो लेकिन चाह रहे हो कि सिर्फ एक ही जगह ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता, एक ही जगह से हैलोजन हट जाता और MgCl जुड़ जाता, यही चाह रहे हो ना. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ मोनो ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूजिंग डाई हेलाइड और ट्राई हेलाइड. एक और बात ध्यान रखना यहीं पे, अगर हम MgXS यूज कर दें इथर में तो डाई हेलाइड से डाई ग्रिगनार्ड बनाना पॉसिबल, ट्राई हेलाइड से ट्राई ग्रिगनार्ड बनाना पॉसिबल. जैसे यहां भी ग्रिगनार्ड बन जाएगा, यहां भी ग्रिगनार्ड बन जाएगा क्योंकि Mg हम लोग एक्सेस में इस्तेमाल किए. ClMgCH2CH2MgCl बनेगा, 100% बनेगा. इसको बोलेंगे डाई हेलाइड से डाई ग्रिगनार्ड बनना, पॉसिबल. ट्राई हेलाइड से ट्राई ग्रिगनार्ड बनना, पॉसिबल. लेकिन अगर हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि Mg का एक इक्विवेलेंट लेते इथर में, Mg का एक इक्विवेलेंट लेने का मतलब क्या हुआ? आप कोशिश कर रहे हो कि एक जगह ही खाली ग्रिगनार्ड बने और एक जगह नहीं बने, यही कोशिश है ना. चलो बनता जरूर है, मान ले यहां बन गया RMgCl बन गया, इस कार्बन का Cl हटाए, नेगेटिव के साथ MgCl पॉजिटिव बन गया. लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, पोलर कोवेलेंट है, बहुत ज्यादा है. एटम पे नेगेटिव चार्ज और बगल वाले एटम पे लिविंग ग्रुप, इंटरनल अटैक. ये स्टेबल रहेगा ही नहीं. फाइनली हम लोग को मिलेगा CH2 double bonded CH2 plus MgCl2, बार नो ग्रिगनार्ड, नॉट स्टेबल. CH2Cl CH2 CH2 Cl ऐसा होता और हम कोशिश करते एक इक्विवेलेंट Mg लेके इथर, एक जगह ग्रिगनार्ड बन जाए, ग्रिगनार्ड फॉर्मेशन शुरू तो जरूर हो जाएगा. Mg नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव, मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल और मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप, SNI, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, या इसी को कहते हैं इंटरनल अटैक. और इंटरनल अटैक में 3 to 6 मेंबर, साइक्लाइजेशन इज पॉसिबल. और इस केस में हम लोगों को क्या मिल जाता? साइक्लोप्रोपेन. क्या बनना चाहिए पहले में? दो इलेक्ट्रॉन का अटैक कहां कराएं? ब्रोमीन Cl दोनों पे कैसे कराएंगे जब एक इक्विवेलेंट लिए? तो जिसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, दो इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक मार के Cl को ही बाहर निकाल देगा. आंसर साइक्लोहेक्सीन. क्लियर? अगले में एक इक्विवेलेंट लिए तो क्या बनेगा? एक जगह ग्रिगनार्ड बनेगा,
कार्बन पर नेगेटिव, MgCl पॉजिटिव, लेकिन ये इंटरनल अटैक करके दूसरा Cl को भी बाहर निकाल देगा। साइक्लोपेंटेन 3 से 6 मेंबर तक का रिंग अलाउड है। डाई हेलाइड से डाई ग्रिगनाड बन जाएगा, लेकिन डाई हेलाइड से मोनो ग्रिगनाड कभी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है बात? अगला, हाँ, एक्सेस दोनों तरफ ग्रिगनाड बना देते, यहां नेगेटिव MgCl पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव MgCl पॉजिटिव। अगले में सबसे पहले Br को हटाए, Br तो हट गया भाई। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये सीधे आके अटैक मार के Cl को बाहर निकाले, लेकिन 4 मेंबर के रिंग में डबल बॉन्ड आएगा तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन, हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम नहीं बना। दूसरा ऑप्शन रेजोनेंस, ये नेगेटिव सिग्मा पाई का हम करा लिए रेजोनेंस, CH पे नेगेटिव आ गया और CH2Cl हो गया। अब बोलेंगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बगल वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड CH2 मेजर प्रोडक्ट, और बिल्कुल सेम टाइप का अगला सवाल भी है। एक जगह से हटाए, नेगेटिव चार्ज बनाए, घुमा के जोड़ मत देना, जब डबल बॉन्ड नहीं बना 4 मेंबर के रिंग में तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? और GI में हम लोग पढ़े थे, वहीं बताए थे कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कितने कार्बन के रिंग में एग्जिस्ट करना शुरू होता है, 7 एंड 7 ऑनवर्ड्स, और GI होता है 8 कार्बन ऑनवर्ड्स। लेकिन साइक्लोहेप्टाइन एग्जिस्ट, उससे लोअर वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर यहां पर क्या करेंगे? यहां पर वही काम करेंगे, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक आई बाहर, यहां हम लोग को मिलेगा क्यूमुलिन सिस्टम, ठीक है, 4 मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड से कहीं ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। क्लियर है? चलो अब हम बैठ जाते थोड़ा देर, बताओ अभी तक जो हम बताए पढ़ाए उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा रहता है उसी कार्बन पे ग्रिगनाड रिएजेंट बनाया जाता है, क्योंकि उसी कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, वहीं नेगेटिव चार्ज बनेगा और वहीं Mg+ भी जुड़ेगा। अब तक हम जितना चीज बताए एक बार देख लो क्या क्या पढ़े। और जो डाउट हो पूछो। हाँ, किस पे मारेगा? OH CH2 माइनस MgCl प्लस, ये तो बन गया, ये जाके यहां से एक H+ ले लिया ना, है Cl, कहां Cl था? हाँ, तो Cl तो निकल गया ना, वही तो ग्रिगनाड बनाए पहले, यही तो ग्रिगनाड रिएजेंट है, और ये कार्बन जाके यहां से H+ ले लिया तो बन गया ये O- CH2 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 CH3। अब ये कहां जाके अटैक मारेगा और किस पे? RX when treated with Mg ether we get RMgS. ओके, एक लाइन में यही है ना,
आर एक्स व्हेन ट्रीटेड विद एमजी इथर वी गेट आर एमजी एक्स। ध्यान रखना, रिएक्टिविटी और रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, जितना जल्दी एक्स निकलेगा उतना फास्ट बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑब्वियसली आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर, है कि नहीं? और हमें पता है कि फाइनली आर माइनस और एमजी एक्स प्लस है। जितना स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज बनेगा उतना फास्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, यस और नो? ऑब्वियसली अगर हम आर एक्स की बात करें तो वन डिग्री ग्रेटर देन टू डिग्री ग्रेटर देन थ्री डिग्री, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन वन डिग्री देन टू डिग्री देन थ्री डिग्री। अगर हर जगह हैलोजन सेम है लेकिन डिग्री अलग अलग है तो वन डिग्री वाला जल्दी ग्रिग्नार्ड देगा एज कंपेयर टू टू डिग्री एज कंपेयर टू थ्री डिग्री, यस और नो? अब देखिए, विनाइलिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्डेड CHX एंड आराइलिक हैलाइड, आराइलिक मतलब हो गया बेंजीन से जुड़ा हाइड्रोजन, हैलोजन, ठीक है? आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों किसी भी प्रकार के सब्स्टिट्यूशन नहीं देते थे, कारण लोन पेयर का रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस अगेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता था, ब्रिजेट वाला भी नहीं करता था, है कि नहीं? ऐसे हैलाइड को जब हम लोग एमजी इथर के साथ लेते हैं, एमजी इथर के साथ लेते हैं मतलब सिंपली रूम टेम्परेचर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? दो इलेक्ट्रॉन का अटैक हैलोजन को नहीं निकाल पाता। क्यों नहीं निकाल पाता? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर द अटैक ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कैनॉट ब्रेक ब्रेक द कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन बॉन्ड, ठीक है? टू ब्रेक इट हीटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आपको वास्तव में तोड़ना है तो हीट करो टूटेगा, हीट करोगे तो टूटेगा, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। बट ऑन हीटिंग ऑल इथर गेट्स वेपराइज्ड, इथर का बॉइलिंग पॉइंट ना 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन सा इथर? डाइमिथाइल इथर, डाइइथाइल इथर, छोटा इथर, डाइमिथाइल इथर, डाइइथाइल इथर, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हीट कर दोगे पूरा इथर वेपराइज हो गया, और जब इथर पूरा वेपराइज हो गया तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है? क्योंकि Mg2+ इथर में स्टेबल है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पूरा इथर ही उड़ गया, वेपराइज हो गया, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, दो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है इतना बात समझ में आ रहा है? देयरफॉर फॉर सच सबस्ट्रेट हाई बॉइलिंग पॉइंट इथर इज यूज्ड एंड दैट इज THF। हम लोग THF का इस्तेमाल करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक हायर बॉइलिंग पॉइंट इथर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
छह मेंबर के पांच मेंबर, पांच मेंबर। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का इस्तेमाल करते बेटा, ये भी इथर ही है, साइक्लिक इथर, ये अलग चीज नहीं है, इथर ही है। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, ज्यादा होता। इसलिए जब ऐसे दिया रहेगा ना सी एच टू डबल बॉन्डेड सी एच सी एल, आप जनरली पाओगे कि एमजी के नीचे टी एच एफ लिखा हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इथर ग्रिगनाड बना दो, यहां एमजी नेगेटिव सीएल हो गया। बेंजीन पे अगर दे रखा है क्लोरो बेंजीन एमजी टी एच एफ, ओके, बेंजीन पे नेगेटिव साथ में एमजी सी एल पॉजिटिव, इसी को तो बोलते हैं पी एच एमजी सी एल। अब एक और बात यहीं पे कहीं नोट कर लेना, जब तक ये डिटेल में ना पूछे तब तक इस चीज को छेड़ना नहीं, दिमाग में रखना है। जो हम बात बताए ना, अगर एमजी इथर भी लिखा है बेटा, बना देना ग्रिगनाड। क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप में इथर ही है। कौन जानता है कि कौन सा इथर इस्तेमाल हुआ। हां, अगर क्लियरली लिखा है एमजी स्लैश सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, नहीं बनेगा, लिख देंगे नहीं बनेगा। डाई मिथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, ये दोनों में से कोई दे रखा क्लियरली तो नहीं बनाना, टी एच एफ दिया है तो बना देना। लेकिन कौन सा इथर लिए अगर नहीं लिखा है तो आप ग्रिगनाड रिएजेंट बना दीजिएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में साइक्लिक इथर ही है। समझ में आया मैं क्या बोला अभी, क्या बोले, समझ में आया? गिलमेंस रिएजेंट कुछ नहीं है, ये तो आर टू सी यू एल आई होता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं बस इतना ध्यान में रखो। सबसे पहले आर एक्स को ट्रीट करते हैं हम लोग एल आई इथर में, आर एक्स एल आई इथर, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका से बन जाता है एल आई आर एल आई प्लस एल आई एक्स। कहां पे? यहां पे। क्या ये डबल है? डबल बॉन्ड है, कैरेक्टर द अटैक ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को लिथियम इथर में ट्रीट करते हैं, सीधे अल्काइल लिथियम बनता है। लेकिन इस अल्काइल लिथियम का दो मोल जब किसी क्यूप्रस सॉल्ट के साथ Cu2H2 के साथ ट्रीट कर देते हैं इथर में ही, तब बनता है R2CuLi। और सी यू एक्स अलग हो जाएगा, एल आई एक्स अलग हो जाएगा। खैर याद रखना क्यूप्रस सॉल्ट। तो रिएजेंट है एल आई इथर फॉलोड बाई सी यू टू सी एल टू या सी यू टू आई टू या कुछ भी क्यूप्रस सॉल्ट के साथ जब ट्रीट करते हैं तो गिलमेन रिएजेंट बनता है। इस पूरे ग्रिगनाड रिएजेंट टॉपिक में हम लोग दो के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे, एक तो ग्रिगनाड रिएजेंट और एक गिलमेन रिएजेंट, इसी का पूरा स्टडी है। क्लियर? चलो।